बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। ये गुज़श्ता 2-3 साल से एक अब रवायत बन चुकी है कि ये साबिक वफाकी वज़ीर इजाज़ुल हक जब भी चकवाल आएँ तो ये प्रेस क्लब उनकी हाज़री ज़रूर होती है। तो इस दफ़ा भी सीनियर साफ़ी तलागंग डॉक्टर ग़ुलाम रबानी जो कि उनके मीडिया एडवाइज़र हैं इजाज़ुल हक के, तो वो उनके ज़रिए वो इस दफ़ा भी उनकी चकवाल प्रेस क्लब आमद हुई। और ये उस वक़्त उनकी आमद थी जबकि शुदा पार्क का भी इफ्तिताह 5 बजे था, तो 4 बजे उनकी आमद इधर प्रेस क्लब में तय थी। तो बहरहाल ये बीच में थोड़ा सा टाइम लगा, तो ये ऐन पूरे 5:05 पर जब चकवाल प्रेस क्लब पहुँचे तो उधर चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम महमूद, सदर मोहम्मद शफीक मलक और सेक्रेटरी जनरल ज़ुल्फ़िकार मीर के अलावा दीगर खालिद मलक, मेहरान जफर मलक और दीगर मेम्बरान ने उनका इस्तकबाल किया। तो इस मौके पर ये ज़रा जो गुफ्तगू हुई है वो मुलादा करें। बारह दिसंबर 1984 ये कॉलेज के ग्राउंड में इनके मरहूम भाई थे, वो जब जनरल दयाल हक खिताब करने के लिए आते आए तो इनके भाई खड़े हो गए, उन्होंने कहा चकवाल को जिला बनाओ, चकवाल को जिला बनाओ। वो अपने स्टेज के खिताब से रुक गए, सारे खलबली मच गई, सारा उधर भरा हुआ। वो उन्होंने आते एक मिनट जनरल के नाम के वो अपने पंजाब से कान में आके बात की और फिर स्टेज जाकर उन्होंने कहा इतना ये माहौल जो है इतना, अगर मैं आगे लेगा दान ना करूँ मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, मैं चकवाल को जिला बनाने का ऐलान करता हूँ। तपासनामे में दिला गायब कर दिया गया था। हाँ, ये जो बाकी अपनी जगह हो सकता है, गेटर फौजी जो अपनी जगह चकवाल के लोग जनरल दयाल हक के बिल्कुल बिल्कुल।